पढ़ रहे हैं भारतीय चित्रकला के अंतर्गत आधुनिक कला और उसके कलाकार। तो इसके बारे में आधुनिक कला के बारे में हमने पूर्व में पढ़ा है कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता गया वैसे ही कला में भी परिवर्तन आया और नई युग की कला जो कहलाई वह आधुनिक कला कहलाती है। और इस समय के कलाकार ने आधुनिक युग के कलाकार ने नए नए माध्यमों में और नए नए विषयों का सृजन किया, अंकन किया। इस प्रकार से आज हम पढ़ रहे हैं ऐसे एक आधुनिक काल के कलाकार जिनका नाम है सोनी बीसी सान्याल। बीसी सान्याल का पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल। भावेश चंद्र सान्याल का जन्म 1904 ईस्वी को असम के डिब्रूगढ़ में हुआ था इनका जन्म। और इसके बाद इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, बचपन से ही इन पर कला का प्रभाव था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें आपने जो डिब्रूगढ़ के असम के श्री रामपुर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की उच्च शिक्षा, इसके बाद आपने उस समय जो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था उस असहयोग आंदोलन में भी आपने भाग लिया। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रही थी भारतीय स्वतंत्रता के लिए, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में आपने भाग लिया। इसके बाद 1929 में ये लाहौर चले गए और लाहौर में लगभग ये 18 वर्ष तक रहे। 18 वर्ष रहने के बाद भारत विभाजन हुआ 1947 में, और भारत विभाजन होने के बाद में 1947 में जो भारत विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय ये लाहौर से दिल्ली आ गए और दिल्ली आने के बाद इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की, एक कला समूह का गठन किया 1949 में। दिल्ली शिल्पी चक्र का गठन किया जिसका मूल उद्देश्य था कला जीवन को प्रदीप्त करती है। यह प्रश्न अभी 2020 की जो बोर्ड परीक्षा लगी थी उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली शिल्पी चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दिल्ली शिल्पी चक्र का मूल उद्देश्य है कला जीवन को प्रदीप्त करती है। और दिल्ली शिल्पी चक्र की रचना भावेश चंद्र सान्याल धनराज भगत के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो दिल्ली आने के बाद इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। इसके बाद ललित कला विभाग ललित कला संकाय में ये विभागाध्यक्ष के पद पर कार्य किया, प्रोफेसर बने। और उसके बाद इन्होंने चित्र बनाए, उसमें इन्होंने अपने चित्रों में परंपरा और आधुनिकता दोनों का समावेश इनके चित्रों में देखने को मिलता है। इन्होंने मुख्य रूप से चित्र और मूर्ति दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अर्थात चित्र भी बनाए और मूर्तियां भी बनाई है। और इनके बनाया गया एक महत्वपूर्ण चित्र है जिसका नाम है कांगड़ा की स्त्री। यह चित्र इनके द्वारा बनाया गया एक सर्वश्रेष्ठ चित्र है। और इस चित्र की खास विशेषता है कि इसमें प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक रंग लाल नीले पीले, यानी आपको 11 में पढ़ाया गया है कि प्राथमिक रंग कौन होते थे, लाल नीला पीला। तो लाल नीले पीले का समावेश करके कांगड़ा की स्त्री नामक का चित्र भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा बनाया गया है। इन्होंने देश विदेश के प्रमुख स्थानों पर अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई और कई स्थानों से, कई विशेष स्थानों से और देश विदेश से इनको कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। आज इनकी कई चित्र जो कला दीर्घाओं में सुशोभित हैं। तो इस प्रकार से भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा आधुनिक कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया और इनके द्वारा दिए गए योगदान को हम सदा ही स्मरणीय करते रहेंगे। तो आज हमने पढ़ा भावेश चंद्र सान्याल अर्थात बी सी सान्याल।